गुड मॉर्निंग एवरी वन आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर टू लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है जैसा कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू टू पार्टीज पार्टीज वो वो कौन सी है है एक पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है और दूसरा वो पर्सन जो इंश्योरेंस दे रहा है तो जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड और जो पर्सन इंश्योरेंस दे रहा है मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे हम कहते हैं इंश्योर तो जो एक लाइफ इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन दी इंश्योर्ड एंड एन इंश्योर इसी को जैसे हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया कि हम लाइफ इंश्योरेंस की जगह वर्ड यूज लाइफ एश्योरेंस भी करते हैं ए डबल एस यू आर ए एन सी एश्योरेंस हम यहाँ पर वर्ड क्यों यूज करते हैं और ये सिर्फ हम लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसी के लिए ये वर्ड यूज करते हैं उसका रीजन ये है कि एश्योरेंस का मतलब है कि ये श्योरिटी है कि आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं जो जो भी आपके जर्नल इंश्योरेंस के अंडर आते हैं उसमें श्योरिटी नहीं होती है कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा श्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि फ्रॉड करती हैं कंपनी या है, कुछ और करती हैं श्योरिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जो जर्नल इंश्योरेंस होते हैं उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है अगर उस टाइम पीरियड के अंदर जो इवेंट है जो लॉस है वो आपको हुआ तो आपको पैसा मिलेगा अदरवाइज जो भी आपने उसके लिए प्रीमियम पे किया है वो आपको वापस नहीं मिलता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है जबकि जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो जो भी पैसा आप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू प्रीमियम के थ्रू पे कर रहे हैं इस चीज की श्योरिटी होती है कि आफ्टर दी टर्म आपको वो पैसा रिटर्न मिलेगा तो जो लाइफ पॉलिसीज होती हैं वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यहाँ पे है कि जो भी एक वैलिड एग्रीमेंट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आप कहते हैं इसेंशियल्स होने है चाहिए वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो जो लिमिटेशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो डिफाइन होंगी ऑलरेडी पॉलिसीज में ये फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करवाता है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं इन केस ऑफ डेथ डिसेबिलिटी एक्सीडेंट रिटायरमेंट फ्यूचर नीड्स एक्सेट्रा ह्यूमन की जो वैल्यू है जो पर्सन की वैल्यू है उसकी फैमिली के लिए उसे आप कभी भी मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते तो जो मेजर किया जा सकता है मनी वैल्यू में वो सिर्फ इतना कि जो फ्यूचर इनकम का लॉस आपको होगा उस पर्सन के ना रहने से इन इनकंटीजेंसी सिर्फ उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं इसीलिए हमने ये चीज पहले भी की कि इनडेमिटी का जो वर्ड है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज नहीं होता है तो जो सम एश्योर्ड है जो प्री डिटरमाइंड है जो इंश्योर्ड खुद डिटरमाइंड करता है कि उसने कितने का इंश्योरेंस लिया है वही बेनिफिट जो है है उसकी फैमिली या या वो खुद रिसीव करता इन केस ऑफ इवेंट्स आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया इसकी हिस्ट्री लाइफ इंश्योरेंस की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था वो हंड्रेड इयर्स अगो बैक हुआ था और वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में ये था, 1706 शुरू हुआ लंदन इंडिया में ये इंग्लैंड से आया इन एटीन एटीन और लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो जो ग्रोथ है लाइफ इंश्योरेंस की इंडिया में वो कैसी रही है यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ग्रोथ है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की इंडिया में

इसी स्कीम को टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया देन इसको सेम चीज को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लोकल बॉडीज के एम्प्लॉयज के लिए म्यूनसिपालिटीज आर बी आई बैंक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पोर्ट ट्रस्ट यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेलवे डिफेंस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्सेट्रा के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया और लेटर 1995 में इसे जर्नल पब्लिक के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया इन रूरल एरियाज तो जो पीएलआई है उसे रूरल पीएलआई भी कहा जाता है। है, जो जो हमारा बहुत सारे थे इंडिया में काम कर रहे थे 1956 में जो गवर्नमेंट है उसने नेशनलाइज किया लाइफ इंश्योरेंस को बाय एस्टेब्लिशिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जहां पर हमने पहले भी पढ़ा टू फोर्टी फाइव इंश्योरेंस जो कंपनीज थी उनको नेशनलाइज करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 1956 जो LIC है वो सोल इंश्योर लाइफ इंश्योरर के तरीके से काम कर रहा है और जो बिजनेस है उसका मेनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है तो अभी भी आप अगर किसी को पूछेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस हमने लेना है तो सबसे पहला नाम जो आता है दैट इज एल नेक्स्ट इज योर प्राइवेट इंश्योरेंस जो एल है वो वो उसने वर्क किया एज अ सोल लाइफ इंश्योरर टिल 1999 1999 में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिश हुई और लॉ को अमेंड किया गया तो इन 2000 थाउजेंड आई आर डी ए ने ओपन किया लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी और सिंस देन जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो शार्पली इंक्रीज हुआ और नाउ अडेज ट्वेंटी फोर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में जो टू थाउजेंड फोर्टीन में थी जो वर्क कर रही हैं जो इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 1999 में जो IRDA आपका आया, जो इनाक्ट हुआ और अकॉर्डिंगली उसी के बेसिस पे आई को एस्टेब्लिश किया गया तो जो आई है उसने ओपन किया लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू ट्वेंटी अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर वे फॉर द फॉरन प्लेयर्स की वो इंडियन मार्केट में थ्रू जॉइंट वेंचर्स पार्टिसिपेट कर सके फर्दर इन टू थाउजेंड फोर्टीन जो क्लॉर्क काउंटी एजुकेशन एसोसिएशन है उसने अलाउ किया फोर नाइनटी वन फॉरन इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस कंपनीज को थ्रू फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड रूट नेक्स्ट इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइफ इंश्योरेंस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वही चीज की जो भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका असेंशियल फीचर आता है दैट इज आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए तो सेम तरीके से जब हम बोल रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके जो पॉलिसीज हैं वो लीगल कॉन्ट्रेक्ट होते हैं आपके तो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो ऑफर करता है इंश्योर को और जब इंश्योर एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है तो जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो लॉफुल होनी चाहिए तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी कंप्लीट होगा जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी और उसी की वजह से वन और मोर लीगल ऑब्लिगेशंस जो है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर क्रिएट होती है नेक्स्ट इज योर कंसीडरेशन कोई भी एग्रीमेंट है उसे लीगल बाइंडिंग हम तब मानते हैं जब उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे करता है इन कंसीडरेशन ऑफ दी प्रॉमिस जो इंश्योरर कर रहा है कि वो इंडेमनीफाई करेगा उसको या उसकी फैमिली को इन केस ऑफ लॉस ऑफ हेल्थ और लाइफ नेक्स्ट इज लीगल कैपेसिटी जो भी पर्सन एंटर कर रहा है एग्रीमेंट में इंश्योरर के साथ वो लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब कि पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स नहीं होना चाहिए ना ही इंसेन होना चाहिए या फिर कॉम्पिटेंट नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी एग्रीमेंट में वो एंटर कर रहा है तो जो इंश्योरर है ही और शी शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू एग्रीमेंट इसका मतलब कि जो इंश्योरर है वो लाइसेंस license, लाइसेंस्ड होना चाहिए अंडर द प्रिवेलिंग रेगुलेशंस देन मेचोरिटी वैल्यू जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक मेचोरिटी वैल्यू होती है और ऑन द डेथ ऑफ दी इंश्योर्ड या फिर ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी वही वैल्यू पे की जाती है तो जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है बल्कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस है जिसे आप असेस नहीं कर सकते इन केस ऑफ लाइफ और दूसरा है जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो इंश्योर पे करेगा अगर लाइफ का लॉस नहीं भी हुआ है तब भी नेक्स्ट इज योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योर्ड पर्सन में लॉस ऑफ लाइफ जो है इंश्योर्ड की अगर होती है तो जो cause है, जो कॉज कॉज है का मतलब यहाँ पे है कि जो इंश्योर्ड पर्सन के ने जिसको नॉमिनी अपना बनाया है जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है दूसरे पर्सन के लिए उसे कोई फाइनेंशियल लॉस सफर होना चाहिए तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम जब आप पॉलिसी ले रहे हैं फर्दर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एट द टाइम ऑफ क्लेम और डेथ जरूरी नहीं है कि होना चाहिए तो जो फॉलोइंग इसके हम दे सकते हैं एक हस्बैंड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसकी वाइफ की लाइफ में और वाइफ का इंश्योरेबल uh, इंटरेस्ट है उसकी हस्बैंड की लाइफ में फादर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसके चिल्ड्रन की लाइफ में क्रेडिटर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है डेप्टर की लाइफ में पार्टनर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है दूसरे पार्टनर्स की लाइफ में और एजेंट का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसके प्रिंसिपल में देन नेक्स्ट जो हमारा uh, करेक्टरिस्टिक है दैट इज गुड फेथ लाइफ इंश्योरेंस वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ इसका मतलब कि जो दोनों पार्टीज हैं इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों में ही गुड फेथ होना चाहिए और दोनों ने ही उस गुड फेथ को मेंटेन करना है तो जो इंश्योर्ड है उसे डिस्कलोज करना है सारी एक्यूरेट और ऑनेस्ट मेडिकल हिस्ट्री पर्सनल डिटेल्स लाइफस्टाइल हैबिट्स फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा ऑन द अदर हैंड जो इंश्योरर है वो डिस्कलोज करेगा सभी मटीरियल क्लॉजेस कॉन्ट्रैक्ट के और क्लेम सेटलमेंट एक्सेट्रा की जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव करना मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस को वाइडली स्प्रेड करना और पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में ताकि सभी इंश्योरेबल जो हैं कंट्री में उन तक पहुंचा जा सके एम्फेसिस होना चाहिए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पर देन प्रोवाइड करना एडिक्वेट फाइनेंशियल कवर अगेंस्ट डेथ एट अ रिजनेबल कॉस्ट टू पीपल मोबिलाईज करना लोगों की सेविंग्स को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के थ्रू एट्रेक्टिव प्लान जो फंड्स आपने कलेक्ट किए हैं उन्हें इस तरीके से लगाना कि जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का और कम्युनिटी का वो प्रोटेक्ट हो पाए और साथ ही साथ जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं, उनको भी फुलफिल किया जा सके देन डेवलप करना इंश्योरेंस प्लान्स एज पर द इंश्योरेंस नीड्स ऑफ द कम्युनिटी कीपिंग इन व्यू जो भी सोशल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच